भी न्यूज मीडिया वाला, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आया होगा। ग्राउंड जीरो से आप लोगों को मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, आज तक शायद ही यहाँ पे कोई आया हो, किसी ने आपको ये चीज़ दिखाई हो, इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ों के बीच में किस तरीके से कंपनीज काम करती हैं। हे गाइस, स्वागत एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जम्मू रिएक्ट्स में। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आया हूँ एक टनल के लोकेशन पे और आपको रूबरू करवाऊंगा। कुछ मेरे बैक साइड आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे ये टर्मिनल्स बन रहे हैं टनल्स के, और एक फ्लाईओवर ब्रिज यहाँ पे बनने वाला है। पूरी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, और ऐसी जगह पे आप सोच नहीं सकते जहाँ इंसानों का सर्वाइव करना, जानवरों को भी शायद यहाँ आने में डर लगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ की बताऊंगा, हर एक व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। पर बने रहें इस चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हूँ मैं यहाँ पे कल्डधार में, और ये कल्डधार डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। जैसे कि मैं आपको टनल्स की वीडियो बता रहा हूँ, कुछ रेलवे टनल्स की जो कनेक्ट करेंगे जम्मू और कश्मीर को रेलवे के साथ, और हिली एरियाज़ में स्पेशली। आपने प्लेन एरियाज़ में रेलवे तो देखा होगा, लेकिन हिली एरिया में शायद ही किसी ने रेलवे को इतना इन्जॉय किया हो। लेकिन हाँ, जे एंड के में अब ऐसा होने वाला है, जम्मू और कश्मीर को रेलवे के साथ जोड़ा जा रहा है, और कटरा से होते हुए ये रेलवे ट्रैक मर रहा है डायरेक्ट रामबन के लिए। और अभी मैं हूँ यहाँ पे कल्डधार में, जो जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे ये ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होनी है, जहाँ के लिए आप ये पिल्लर देख रहे हैं, इतना बड़ा पिल्लर यहाँ पे बनाया गया है। इसके बीच का जो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ से जो है वो ट्रेन गुजरेगी, मतलब यहाँ से एक हमारे पास फ्लाई ओवर ब्रिज बनने वाला है, और सेकेंड यहाँ पे जो पिल्लर चल रही है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं काम वगैरह लगा हुआ है। और ये आप जो काम देख रहे हैं, ये काम यहाँ पे जो सेकंड पिलर है, जैसे कि सामने एक पिलर बना हुआ है जहाँ से ब्रिज बना है, ये जो काम यहाँ पे लगा हुआ है, ये सेकंड पिलर ऐसा ही यहाँ पे बनेगा जो दोनों टनल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। यार हैट्स ऑफ है सबसे पहले तो ये कंपनी को, जिसने 2-3 सालों में इतना बड़ा काम यहाँ पे करके दिखाया है। इसके सामने आप देख रहे होंगे जो ये पिलर है, पिलर के बैक साइड एक टनल है, यहाँ से होते हुए इसके पहाड़ को पूरा मतलब खोद के इसके बैक साइड ये टनल जाएगा, और ये जो टनल का नाम जो बैक साइड होगा वहाँ का नाम है ग्राम मोड़ में निकलेगा। और अभी जहाँ मैं हूँ ये है कल्डधार, और यहाँ की लोकेशन को आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। इतना बड़ा विशाल पहाड़ खोद के बैक साइड से यहाँ से आया, जैसा ये चौथा टनल है कटरा के बाद, और इतना अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग। शायद आने वाले 4-5 सालों में आप लोग यहीं से विज़िट करेंगे, जहाँ किसी को शायद अगर जम्मू से कश्मीर जाना है तो इसी टनल से होते हुए जाना पड़ेगा रेलवे के थ्रू। और रियासी का एक ये डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है यहाँ पे लोग तो शायद कम ही आते होंगे, किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे ये काम किया है, काबिले तारीफ होगा वो काम। और ये जैसे आप देख रहे हैं, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा एक क्रेन वाले को, आप सोच सकते हैं कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर टॉप पे ये बैठा हुआ है बंदा, और वहाँ से काम कर रहा है। तो इन लोगों को हैट्स ऑफ है यार, इंजीनियर्स को हमारे, और स्पेशली ये कंपनी वालों को जिन्होंने इतना अच्छा काम ये किया, इतना जोरों शोरों से ये काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशली यहाँ से अगर आप इस खाई को देखेंगे, ये कम से कम भी 1 किलोमीटर नीचे होगी, शायद यहाँ से कोई गिर जाए एक बार तो मिलेगा नहीं वापस आपको, लेकिन इन लोगों की मेहनत है, जिस मेहनत की वजह से आज ये देखने को हमें मिल रहा है, और अगले 2-3 सालों में हम शायद रेलवे का इन्जॉय कर पाएंगे यहाँ से, इतनी बड़े पहाड़ों के बीच इतना बड़ा फ्लाईओवर बनने वाला है। और इसके बाद मैं जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कल्डधार में है, हम कल्डधार से ये ट्रैक जो बन रहा है ऊपर से फ्लाईओवर डायरेक्ट एक टनल को दूसरे टनल को जो टर्मिनल को जोड़ेगा, इसके पीछे वाला जो नेक्स्ट जहाँ पे ये निकलेगा टनल, उसका नाम है ग्राम मोड़, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, मैं वहीं के लिए जाने वाला हूँ। तो आपको कैसा लगा ये व्यू, कैसी मेहनत लगी कंपनी वालों की, तो ज़रूर मुझे मेंशन करके बताएं। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी जगह पे विज़िट की है जो शायद ही यहाँ पे आज तक कोई आया हो, कोई यूट्यूबर या कोई भी न्यूज़ मीडिया वाला, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आया होगा। ग्राउंड जीरो से आप लोगों को मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, आज तक शायद ही यहाँ पे कोई आया हो, किसी ने आपको ये चीज़ दिखाई हो, इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ों के बीच में किस तरीके से कंपनीज काम करती हैं, और हमें जब फिर बाद में बना हुआ चीज़ मिलती है और वो चीज़ हम यूज़ करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।